टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। दिल्ली में हिमाचल भवन ने जब्त करने आदेश अपाय। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्टे आर्बिट्रेशन एवोर्ड नु पालन न करने बदले आ आदेश आप तो सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी लिमिटेड करेली अरजी पर सुनावणी थई हती। तो अधिकारी नी भूलना कारणे 64 करोड़ रुपया 7% व्याज साथे जमा न करावता आ निर्णय लेवायो छे। तो कोर्टे 15 दिवसनी अंदर तपास करवाना आदेश पण आप्या छे। हिमाचल सरकार पर भाजप नेताओए आकरा प्रहार कर्या छे। कोई बड़ा नहीं है, लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था, मैडम उसमें ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। आप हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपया आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है, मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार में हिमाचल भवन जैसे जो हमारे बहुत सम्मान के जो 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 जगह है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो नीलाम हो रही है, वो अटैच कर दी गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है, 70 वकीलों की फौज खड़ी की है यहाँ पर, एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहाँ पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसको उसमें वो सफल नहीं हो पाते। देखो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, एक कहावत है ना कि घर में खाने को नहीं अम्मा चली बुलाने, घर फूक तमाशा दे। अब खटाखट फटाफट टकाटक पता नहीं क्या क्या कह डाला और उन्होंने अपने संसाधनों की चिंता नहीं की, वित्तीय संसाधनों की चिंता नहीं की, और उसका नतीजा ये हुआ कि इनके खटाखट फटाफट और टकाटक की बेवकूफ़ी में खुद हिमाचल सरकार के संसाधन, हिमाचल की जनता के संसाधन नीलामी के कगार पर खड़े हुए।